हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी सिरोही पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस जो पॉइंट आपके हैं, जैसे कि आपका सीईटी सर क्या है, एक तो ये दिक्कत आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई लैब का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर एलडीसी की तैयारी कैसे करें। कुछ कह रहे हैं वनपाल वन रक्षक की करवाइए। कोई है सेकंड ग्रेड मैथ्स के पीछे पड़ा हुआ, कोई आपके सेकंड ग्रेड साइंस के लिए, और विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग आपके डाउट्स हैं उन सभी को मैं आज लेकर के आया हूं, और उन्हीं को आज मैं जो है यहां सॉल्व करवाने वाला हूं, उन्हीं को आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप जो है क्या करें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आ जाती है कि लैब असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो आज ही उपेंद्र यादव जी ने पोस्ट किया है कि भाई इसी महीने में उन्होंने कहा है। इसका मतलब ये है कि अगस्त तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, सीईटी सर लागू होगा या पहले एलडीसी का एग्ज़ाम होगा, तो बता दूं मैं आपको कि सीईटी के लागू होने का अभी तक ये नहीं कहा है कि इन इन वैकेंसी में अभी जो है हम कर देते हैं या इस वैकेंसी को अभी से इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ऐसा अभी तक कहीं स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो है संस्थाएँ, आपके उपेंद्र यादव जी हो या इसके अलावा भी कई प्रकार के अलग अलग जो गुट चल रहे हैं उनमें विद्यार्थियों ने विरोध किया है, ट्विटर पर भी ये किया है कि भाई एलडीसी हो, आपके कॉन्स्टेबल है, जूनियर अकाउंटेंट है, इन वैकेंसियों को जो अभी आई है इनको एक बार बाहर रखने की प्रयास किया जाए। तो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है वो कोई मैं नहीं लेने वाला, ना ही कोई आप में से स्टूडेंट लेने वाला है, ना ही कोई अदर यूट्यूब चैनल पर बताने वाले शिक्षकगण या कोई भी नहीं लेने वाला है, ठीक है। लेगा तो ये डिसीजन कौन लेगा, आरपीएससी के अध्यक्ष और आरएमएसएसबी के जो अध्यक्ष हैं वे ही लेने वाले हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम उसके ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान न दें और हम ये प्रयास करें कि सीईटी के लिए, चाहे आपका सीईटी हो चाहे आपका फिर बाद में जो है कौन सा हो जाए दोस्तों, सीईटी के अलावा आपका एलडीसी डायरेक्ट हो जाए, ये भी तो कंडीशन है। तो अगर सीईटी लागू भी होता है तो कॉमन सब्जेक्ट्स जो भी है आपके वो आने ही आने हैं, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई जो है ये नहीं होने वाला कि सीईटी लागू होते ही कोई नई सब्जेक्ट अंदर आएगी। नहीं, मैथ्स है आपका, रीजनिंग है आपका, इंग्लिश है आपका, हिंदी है आपका, राजस्थान जीके है, इंडिया का करंट अफेयर्स है, राजस्थान का करंट अफेयर्स है, ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो एज इट इज ही आने वाले हैं। तो क्यों ना हम अभी से ही तैयारी में लग जाएं। और वनपाल वन रक्षक में तो 100% श्योर है आप लोग कि भाई वहाँ तो सीईटी का कोई रोड़ा ही नहीं है, तो क्यों आप उसके लिए तैयारी अभी से कर लें, हो सकता है वही आपके जो है आगे कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आ जाए। अब लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है तो अब हमें इनकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि हम जो है लैब असिस्टेंट के लिए आराम से अब जो है रोड़ा रोए कि इसमें इतने नंबर आ जाते तो ये होता ना, मेरे ये हो गया था, मैं बीमार हो गया था, मेरे वो हो गया था। वो जो होना था वो हो चुका, जो प्रकृति को पसंद था वो प्रकृति कर चुकी। अब आपको क्या करना है कि जो भी है अपने पास में टाइम आ रहा है, आगे जो वैकेंसी जा रही है 12th पास वालों के लिए, उसकी ओर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप उसकी ओर ज़रूर फोकस करें। अब सेकंड ग्रेड मैथ्स वाले और सेकंड ग्रेड साइंस वाले स्टूडेंट जो है, अगर उनका अभी रीट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप रीट पर फोकस करें और उसी पर अच्छे से बने रहें, उसको बहुत अच्छे से देने का प्रयास करें। ये मन में नहीं रखें कि मैं अभी सेकंड ग्रेड का दे दूंगा, फर्स्ट ग्रेड भी है मेरे पास, नहीं। अभी आपका टारगेट होना चाहिए रीट 2022, उसके बाद में हम जो है सेकंड ग्रेड का एग्जाम और उनके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो अभी आप उस पर फोकस रहिए, उसके बाद में जैसे ही आपका वो एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको वेट नहीं करना है, फिर आपको सीधा लग जाना है किसमें, तब आपको सीधा लग जाना है सेकंड ग्रेड में। उस टाइम पे आप ब्रेक नहीं लेने बैठना है कि हम 10-15 दिन का ब्रेक लेंगे, वो करेंगे, रोडा रोएंगे, नहीं, आप तैयारी में लगे रहिएगा। अब इसके बाद में दोस्तों, जितने भी विद्यार्थियों के मैंने बता दिया था कि लैब की कट ऑफ किस तक जा सकती है, वीडियो मेंस की कब तक कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके बाद में जिन भी विद्यार्थियों को अब लग रहा है कि हम उस रेंज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या हम उससे बहुत ज़्यादा नीचे हैं, या वन हमारा 40% का भी एक जो है लफड़ा मतलब पड़ रहा हो अगर आपके, तो आप क्या करिए कि अभी से ही अपनी एलडीसी की भर्ती के लिए तैयारी में लग जाइए। आरएसआईटी की दिक्कत आ रही हो, अगर किसी को लग रहा हो कि आरएसआईटी मेरी पूरी नहीं है, तो भाई आरएसआईटी आज से ही ज्वाइन कर लो, रनिंग में आप गिने जाओगे, आपके पास आपका जो है रोल नंबर होगा और आप फॉर्म फिल कर पाओगे। फॉर्म वो फिल नहीं कर सकते
जो फॉर्म भरते टाइम भी आपके पास RSAT ना रनिंग में हो ना डिग्री हो, आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं हो, अगर आपके पास और RSAT 3 महीने का कोर्स है यार, कर लेना चाहिए। तो आप तैयारी कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब में आना है और आप ऐसी बेसिक चीज़ों की जानकारी भी नहीं रख रहे हैं, ज़रूर इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। और अभी अगर नहीं है और अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी ही जाकर जल्दी से फॉर्म फिल करें सेंटर पर और अपना जो है स्टार्ट कर दें RSAT को, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे द्वारा LDC और सेकेंड ग्रेड मैथ्स और सेकेंड ग्रेड साइंस वनपाल वन रक्षक, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए लगातार अब क्लासेस चला दी गई है। आपकी देख रहे होंगे कि अब हम लगातार क्लासेस आ रही है, लास्ट एक वीक से हम लगातार क्लासेस दे रहे हैं, हर दिन 2-3 क्लासेस हो रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लासेस को अटेंड जरूर करें। आप अगर पूरे कोर्स की ओर ये ध्यान दे रहे हैं कि सर पूरा कोर्स नहीं करवाता यूट्यूब पर कोई, तो हमारा चैनल उसका उदाहरण है कि हमने 100% पूरा कोर्स करवाया है और ऐसा चैनल एकमात्र होगा जिसने लैब एशन का कोर्स 12 दिन पहले यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री करवा दिया था हमने। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को माने कि हम आपको करवाएंगे और आप अभी से तैयारी में लगें, क्योंकि आप अभी के तैयारी कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर रिविज़न करना ही रहेगा, बाकी आपका सब कुछ तैयार हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी और भी प्रॉब्लम आती है तो आपको हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप बेझिझक उस पर मैसेज करिए, आपकी हर सुविधा जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम आपके क्लियर करेंगे और आप लोगों के साथ बने रहेंगे। आप दोस्तों जैसा देख रहे होंगे कि लगातार वैकेंसीज आ रही है, तो वैसे वैसे ही जो है कोचिंगों का दबदबा बढ़ता है और कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि इस कोचिंग का ज्वाइन करूँ, इस कोचिंग का ज्वाइन करूँ। तो दोस्त मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कोचिंग में जाने से पहले बस ये देख लो कि भाई हम क्या क्या सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और जो सब्जेक्ट्स तैयार नहीं हो सकती क्या उसके लिए मेरे पास गाइडेंस है, तो फिर उसके अलावा मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं हर सब्जेक्ट के लिए गाइड कर दूंगा। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सामने पढ़ा है ये iPad है और इसके अंदर हम पूरा का पूरा UPSC के लिए जो CSET का कोर्स है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश आता है, वो पूरा YouTube के ऊपर पहली बार टॉपिक वाइज टॉपिक PYQ क्वेश्चन जो है हम करवाने वाले हैं। बहुत जल्द आप ही के इसी चैनल पर हम, आपने देखा होगा अभी हमने आज ही अपडेट कर दिया है हमारे चैनल पर कि हमने एग्जाम वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, ऐसे प्लेलिस्ट नहीं, इंडिविजुअल प्लेलिस्ट, आपको चैनल पर जाकर के सीधा प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साइंस की तो साइंस की एक सेकंड ग्रेड साइंस अलग से मिल जाएगी, सेकंड ग्रेड मैथ्स तो एक अलग मिल जाएगी, आपका LDC एग्जाम 2022 तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना ली कि आप LDC एग्जाम सेक्शन पर टच करें तो उसमें दो प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मैथ्स की एक साइंस की और एक GK की ऐड होगी। उसके बाद में ऐसे ही आपका सेकंड ग्रेड साइंस में जाते हैं तो सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर फिजिक्स की पूरी एक अलग प्लेलिस्ट, मैथ्स के लिए हमने मॉडल पेपर अलग प्लेलिस्ट। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए हमारा प्रयास है कि हम बिना ऐप के भी, जो लोग ऐप में सुविधाएं देते हैं, ऐप में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोर्स पर क्लिक करें और वो हम खुलें, हम वही सुविधा चाह रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर देकर दिखाएं। हम यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट वे सुविधाएँ देने वाले हैं। और आपको बता दूँ दोस्तों, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने के बाद जब कई स्टूडेंट्स को विश्वास हुआ, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को भेजा तो उनके कई मैसेजेस आए कि सर प्लीज़ ये कोर्स आप प्राइवेट या हाइड या डिलीट मत करिएगा। अरे दोस्त, एक वीडियो हमारी यूट्यूब से डिलीट नहीं होने वाली है, एज इट इज बनी रहेगी और हम बना के आपको जो है प्रोवाइड करवाए हुए थे तो वो करवाए रहेंगे। आप रीट 2018 के लिए हमने पूरी तैयारी करवाई थी, पूरा का पूरा आज भी वीडियो, एक एक लेक्चर हमारा YouTube पर अवेलेबल है, उससे 2021 में बच्चों ने तैयारी करी, 22 में करी और इस बार जो भी रीड दे रहे हैं वो भी इस वीडियोस को पढ़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंटेंट में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है, आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन नहीं, अरे बेस्ट एक नंबर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। आप चाहे तो जो आपके दोस्तों ने पेड कोर्स ले रखा हो उनसे पूछिएगा कि सेकंड ग्रेड मैथ्स उनको समझ में आ रही है क्या, क्या इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं जितने मैंने करवाए, हर लेक्चर में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है, 101 लेक्चर आज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, यानी 505 क्वेश्चन उनको लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है। आपको जो भी स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपको मैंने WhatsApp नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं और वहाँ मैंने कल एक स्टेटस लगाया था कि जो कोर्स मैं आज YouTube पर फ्री पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा का पूरा कोर्स, वही कोर्स मैं पढ़ाने का कोचिंग इंस्टीट्यूट से, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या UPTGT हो, चाहे आपका NVS का हो, चाहे
कहीं अदर स्टेट्स का मैं TGT एग्जाम्स कवर करवाता हूँ उनका मैथ्स और फिजिक्स, तो 25,000 से 30,000 रुपये मात्र एक कोर्स का लेता हूँ, ये मेरी फीस है। पर आप लोगों को राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि अपना एक सपना है कि राजस्थान में कुछ एक छाप बनाए अपनी, कुछ लोग ये कह सके कि कोई तो था जिसने झूठे वादे नहीं किए थे, चैनल बढ़ाने के लिए नहीं कहा था कि हम फ्री देंगे, अरे रियल में फ्री दे के दिखाया था। चैनल बढ़ाने के लिए अगर करना होता तो मेरे पास में आज 23,000 सब्सक्राइबर्स है, आप लोग सभी जानते हैं 23,000 विद्यार्थियों का विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैं ऐप बना चुका होता। कई बार कई कंपनियाँ आई है ज्वाइन करवाने, लेकिन आज तक नहीं किया, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है ना दोस्तों वो मुझे यहाँ रख रहा है। तो प्लीज़ इस प्यार को बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया CET के लिए कोई टेंशन नहीं लेना, अगर लागू होता भी है तो कॉमन एंट्रेंस है, मतलब कॉमन सब्जेक्ट आएगी ही आएगी, तो टेंशन नहीं लेना है। RSAT का बता ही दिया, ज्वाइन कर लीजिए। LDC का आपको बता ही दिया, वैकेंसी भी बहुत जल्द बोला जा रहा है कि जुलाई एंड तक दे दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी ऐसा भी कहा जा रहा है। बस ये इसका वही दिक्कत आ रही है, ये CET कुछ इसको अटकाए हुए है, तो देखते हैं उसका फाइनल डिसीजन क्या करते हैं RMSSB और RFSC बोर्ड आपका, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। अभी हम एक वीडियो और लाएंगे जिसके अंदर मैं पूरा आपको शेड्यूल दे दूंगा अभी एक दो दिन में, फिर आपको जो है प्रॉपर तरीके से उसी टाइम पर आना है, एक घंटे की क्लास अटेंड करनी है और प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। किसी प्रकार का कोई अब जो है दोस्तों आप लोगों को बहाना नहीं चलेगा कि हमें फ्री में नहीं पढ़ाया किसी ने, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका भाई आपके साथ बना रहेगा और आपको फ्री में पढ़ाएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। आज कुछ मन में ऐसी थी दिलासा कि आज मेरे में अपने भाइयों से अपने प्यारी बहनों से बातें करूं, इसीलिए एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है, हालांकि ये प्रीमियर रहेगा, लेकिन आप लोगों का प्यार इस वीडियो में इस कमेंट के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। धन्यवाद।